वो जो दो लड़के आए थे तुम बता रही थी तुमसे जेवर छीनने के लिए, वही शायद वो हो? हाँ, मुझे भी उन्हीं पर शक हो रहा है। हो सकता है किरण ने अपनी चेकबुक का कोई सफा उस बैग में रख दिया हो। इसीलिए कहते हैं ऐसी चीजों को हिफाजत से रखना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो, चेकबुक मैंने खुद संभाल कर रखी थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। अरे तुम्हें कुछ याद रहता ही कहाँ है, कभी तुम सालन में जो है वो चीनी डाल देती हो, कभी चाय में नमक डाल देती हो। हाँ किरण, मैंने भी बहुत नोट किया है। तुम आजकल बहुत खोई खोई और अपसेट सी रहती हो। लगता है इसे इसके बच्चे याद आ रहे हैं। अरे तो मैंने कब इसे मना किया अपने बच्चों से मिलने से? ये अपने बच्चों के पास जा सकती है, उन्हें यहाँ ला सकती है। इसके बच्चे हैं। अरे मैं तो इसकी खुशी की खातिर इंग्लैंड वाली नौकरी छोड़कर बैठ सकता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं, इसे तो सोचेगा भी मत। बस जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से लेकर आप इंग्लैंड चलें, मुझे नहीं रहना यहाँ पर और अब तो बिल्कुल नहीं रहना। अच्छा प्लीज तुम एक काम जरूर करो, पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम पे इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तुम्हारे वीजे में रुकावट आ सकती है इस चक्कर में। लेकिन ऐसे कैसे, कोई छोटी रकम तो नहीं थी, 2 करोड़ रुपए थे। अरे तुम अपने हस्बैंड के साथ जाओगे ना जब इंग्लैंड, तो 2 करोड़ तुम एक हफ्ते में ही भूल जाओगे। फिर भी हाँ किरण, मुझे भी ऐसा ही लगता है, तुम्हें इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी वहां जाके कौन सा तुम्हें पैसों की कमी होगी। तुम बिला वजह हलकान हो रही हो। तुम क्यों परेशान हो रही हो? अल्लाह मेरे बेटे को लंबी जिंदगी दे। अरे वहां जाकर ना ये तुम्हें दुगना जेवर बनवा कर देगा, फिक्र ना करो।